खबर उन्नाव के बांगरमऊ से है, जहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान ठेले पर आलू बेच रहे सब्जी विक्रेता को पुलिस पकड़कर कोतवाली ले गई। वहां अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस आनंद फानन में उसे लेकर सीएससी पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सब्जी विक्रेता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए सीएससी में जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए और शव रखकर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर बांगरमऊ कस्बे में सब्जी बेच रहे युवक 18 वर्षीय फैसल को पुलिस पकड़कर कोतवाली ले गई थी, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हालत बिगड़ी और सीएचसी ले आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक फैसल पुत्र इस्लाम निवासी मोहल्ला भटपुरी बांगरमऊ का निवासी था। मौत की सूचना पर आक्रोशित परिजन और कस्बे के लोगों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाकर हरदोई उन्नाव और बांगरमऊ लखनऊ मार्ग को जाम कर दिया। जाम की विशालता देख कस्बे की पुलिस के होश उड़ गए। एक तरफ परिजनों की मांग, दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा, दोनों ही क्षेत्रीय पुलिस के नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया। वहीं बांगरमऊ पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। मामला सुलझता देख पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही और होमगार्ड पर कार्रवाई करते हुए सिपाही विजय चौधरी को निलंबित कर दिया। वहीं होमगार्ड सत्य प्रकाश को सेवा से अवमुक्त करने की कार्रवाई की, लेकिन फिर भी परिजन अपनी मांगों और शव का पोस्टमार्टम मांग पूरी होने के बाद ही करने पर अड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा भी गर्माने लगा। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिजनों से फोन पर बात की, मदद का आश्वासन दिया। फिर देर रात जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी सफीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां घटना के विषय में चर्चा पर विवेचना की गई। जिसके बाद देर रात लगभग 11:30 बजे परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए और जाम को खोला गया। डिमांड हमारी ये है कि जो जिन्होंने जो ये सख्त कार्रवाई करके जो हमारे भाई को मार डाला है, उनको तो सबसे पहले निलंबित किया जाए, उनका जो है उनको हटाया जाए। उनको क्या, उनको पूरे कोतवाली में जितने भी हैं सबके कारनामे यही हैं, क्योंकि बगैर किसी बड़े अफसर की इजाज़त के कोई छोटा अफसर कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसने किया है तो बड़े अफसरों की सबसे पहले ही उसके ऊपर हाथ होगा, तभी तो उसने ऐसा किया है। नहीं तो एक सब्जी वाले को घर से ले जाकर बाजार से ले जाकर मारते हुए फिर वहाँ कोतवाली में भी मार डाला, फिर उसके बाद में अस्पताल छोड़ के फरार हो गए। ये काम जब कोई बड़ा अधिकारी उनके हाथ रखे होगा तभी तो कर पाएंगे, वरना ये फरार कहाँ हो पाते, ये बताइए आप। अरे आए का मारी और थाने में रहिए। नहीं, कहाँ से ले गए, कहाँ से? बाजार से। बाजार से क्या कर रहा था? बाजार में, बाजार में बैठा था, सब्जी लगाया था। हाँ? और भी और लोग भी बैठे थे। हाँ? वो सब भाग गए थे। हाँ? तो इसका पकड़ी। हाँ? तो उसका मारिन भी। हाँ? फिर थाने में लगे उसको। हाँ? जब आपको तुम्हारा भाई दिया गया, किस हालत में था वो? हम तब गए, तब थाने में तो लवान गए, तब बेहोश था। अच्छा। हाँ। फिर इसको हॉस्पिटल कौन लेके आया, पुलिस वाले लेके आए, आप लेकर आए? साथ में पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले लेकर आए? अच्छा। जब हॉस्पिटल आप लेके आए तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने बताया जो है थोड़ा मामला जो है गंभीर है, बचना मुश्किल है। डॉक्टर ने बताया बचना मुश्किल है। अच्छा। फिर कुछ इलाज मिला हॉस्पिटल में? हाँ, तो अगर रेफर करी जब तक मर गया। थाना बांगरमऊ में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें दो आरक्षी और एक होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उन्नाव से अश्विनी अवस्थी, न्यूज़ ऑल इंडिया।